जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे और पूरी शिद्दत और मेहनत से आप लोग लगे हुए हो। एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि अगर आपका कोई सिलेक्शन करवा सकता है तो वो आप खुद हो। अपना बौद्धिक क्षमता का आप यूज करें। और इस एग्जाम को दरोगा दो बार और प्लस मैंने ESI का इंटरव्यू तक हमने दिया है, हमने अपना मार्क्स भी शेयर किया था, ठीक है। तो ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है कि इस एग्जाम को कैसे निकाला जाता है। तो जो भी चीज यहां मैं बताऊंगा, ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं कि मैं आपके सामने आया हूं, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ठीक है। एक बुक से अगर आपका कमांड है तो किस तरीके से आप ये एग्जाम निकाल सकते हो उस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले नीचे लिंक होगा, और अगर आपको लगता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, तो आप नीचे लिंक है सियोर सिलेक्शन के लिए, आप हमसे जुड़ सकते हो और स्टेटस एटलीस्ट आप फॉलो कीजिए, ठीक है। आपको ए टू जेड चीज आपको पढ़ाया जाएगा और हम आपको इंश्योर करते हैं अगर आपने मेहनत कर लिया आप अमोंग द टॉपर होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस बार अगर आपको नहीं चूकना है तो आपका बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको दिखता होगा कि लोग अलग अलग बुक बताते हैं, कुछ कॉमन बुक्स भी हैं, ठीक है। देखिए इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, पूरा ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है ये, ठीक है। ये मैं अपना ही नहीं और भी जो मैंने इंटरव्यू लिया उनका देख सकते हो। देखिए आपको क्या करना है, कमांड करना है, मतलब किसी भी बुक पे आप एक से दो हार्डली आप तीन बुक भी अगर आप रखते हो, ठीक है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि आपको एक अंधे बोलते ना घोड़ा के इधर भी बांध देता है इधर भी बांध देता है और बोलता है कि दौड़ो, तो एकदम घोड़ा स्ट्रेट में दौड़ता है। याद रखिएगा अगर आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका रीजन आप खुद होगे। आपको अपना बोलते हैं ना जो इंटेलिजेंट पावर है, ठीक है, भगवान ने दिया उसको आप यूज करो, क्योंकि अगर आपका नहीं होगा तो कोचिंग वाले लोगों का कुछ नहीं जाएगा। जाएगा किसका, आपका जाएगा। और सिलेक्शन किनका होगा, उनका होगा जो अपना, ठीक है, एफर्ट अपना इंटेलिजेंट वो यूज करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए सबसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ये एग्जाम है, ठीक है, प्री प्लस मेंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपका यही स्मार्ट स्टडी। बोलते हैं सर स्मार्ट स्टडी आखिर क्या है स्मार्ट स्टडी, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि प्री प्लस मेंस, ठीक है। और एक चीज टाइम लगेगा पर ये वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखिए अब बहुत लोग बोले कि जो बीपीएससी में है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। एक चीज मैं बताता हूँ, जिन्होंने पढ़ा होगा पूरी शिद्दत से, उन्होंने अगर बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया तो उनका इस बार भी होगा। अब वो लोगों क्यों, क्योंकि जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा। अगला बार अगर 109 गया था तो इस बार देखिएगा 100 जाएगा, नीचे आएगा कटअप, ठीक है। इसी तरीके से अगर दरोगा का कटअप, ठीक है, 2213 देखिए कम गया कटअप, ठीक है, क्यों, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आ गया था। तो आप ये मत देखो, ठीक है, कि क्या पेपर आया क्या पेपर नहीं आया, अपने आप को वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, कि हाँ मैं वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर हूं। देखिए अगर मैं प्री का बात करूं, ठीक है, तो अगर आपका 70 स्कोर रहता है, 70 लाना बहुत ही ईजी है, आप इजिली स्कोर करके ले जाओगे, ध्यान से समझिए 70 क्वेश्चन में बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो इससे भी नीचे आपका कटअप जाएगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्री में वो होता है आपका करंट। टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पता है 100 क्वेश्चन जो है आपका, तो उसमें 20 से 25 जो होगा, यहां तक कि 30 तक भी देखा गया जो 2400 वाला में था, उसमें आई थिंक 32 क्वेश्चन आपके करंट के थे। मैं फिर से बताता हूं, अंधा घोरा के तरीके से नहीं दौड़ते हैं आपको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कहां क्या है। तो इसमें 25 से मैंने 30 लिखा है पर 2400 वाला में उसमें और ज्यादा था, तो आप मैं एवरेज में मान के चलूं कि 25 से 26 27 क्वेश्चन या 25 मान लो कि आपका करंट के रहेंगे, ठीक है, मैं प्री का बात कर रहा हूं। 5 क्वेश्चन आपका फिक्स है मैथ्स एंड रीजनिंग का हो गया, ठीक है, तो मान लो 25 और 5 30 इधर हो गया, दैट मींस आपका 30 क्वेश्चन, ठीक है, इधर हो गया, इन दोनों के मिला बचा आपका 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो जो 70 क्वेश्चन है कि 25 और मैंने 5 यहां ले, बचा आपका 70 क्वेश्चन, तो जो 70 क्वेश्चन होगा आपका, क्या मैंने बोला 70 क्वेश्चन, जिसमें कि हिस्ट्री और साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप एवरेज मानोगे तो कभी हिस्ट्री से 20, ठीक है, कभी 18, इस तरीके से पूरा साइंस में भी वही रहता है। पर साइंस का वैल्यू क्या है कि एग्जाम में देखा जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है हर एक एग्जाम में बिहार के, तो मैं मान लेता हूं कि 18 भी एवरेज मान के लेके चलता हूं, तो यहां 36 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो आपका इधर हो गया, यहां हो गया 30 30 30 60 66 क्वेश्चंस आपका यहीं से हो गया,
ठीक है। बाकी उसके बाद आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, ये है आपका ज्योग्राफी में भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी एक दो क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी से होंगे, पॉलिटी से होंगे, और जो एक है स्टैटिक और बोल सकते हो मिसिलिनियस, ठीक है। तो मिसिलिनियस में क्या, तो आर्ट एंड कल्चर ये सबसे रहता है, वो सब आपको पढ़ाया गया है, नीचे लिंक है, आप आराम से पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं, बट आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, प्री में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका करंट, ठीक है, हिस्ट्री साइंस से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, बाकी ज्योग्राफी पॉलिटी भी आपको पढ़ना है, क्लियर रहना चाहिए कि हाँ मुझे क्या है, ठीक है। और इसमें जो आपको मैक्सिमम अगर 70 क्वेश्चंस भी अगर आप सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन सियोर है, अगर पेपर टफ आ गया तो ये जो होगा आपका नीचे गिर जाएगा, क्लियर। अब हम लोग आते हैं मेंस पे, देखिए मेंस अगेन आपका जो मेंस में अगर आपको फाइनल अगर मैं कहूं, अगर आपको कांधे पे स्टार वो दो लगाना है तो वो आपका जो रास्ता है वो है मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। ये 20 से 25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और फाइनल जो मेरिट आपका बनेगा, जो फाइनल आप दरोगा बनोगे या फाइनल आप राजगीर पहुंचोगे, वो आप पहुंचोगे यहाँ इससे। प्री आप इजली निकाल सकते हो और मेंस आप उससे भी ज़्यादा इजली निकाल सकते हो, बट आपको भीड़ का चाल नहीं चलना, अपना एफर्ट देना अभी से शुरू करो, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वो उनका ही होगा जो खुद एफर्ट देंगे, ठीक है। आप किसी के भरोसे मत हो कि हाँ मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा, कोई भी है वो आपका एक जरिया है, बट सही जगह आपको जुड़ना है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग से 20 से 25 क्वेश्चन, तो जिनका ये स्ट्रॉन्ग है उनका सिलेक्शन काफ़ी मतलब इजीली हो जाता है। अब बाकी जो आपका बचता है, मान लीजिए मैं 75 क्वेश्चन, 75 से 80 क्वेश्चन मैं एवरेज यहाँ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, वो जो आएंगे आपके जीएस वाले पार्ट्स आएंगे, अगेन यहाँ हिस्ट्री और साइंस का वैल्यू जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो मेंस में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद हिस्ट्री और साइंस, बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी। आपको यहाँ जो है आपका इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये मूर्खता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में दिमाग लगा। इसके 5 से 6 टॉपिक आपको पढ़ना है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है, उसमें अभी आप ज़्यादा दिमाग मत लगे, मेनली आपको यही पढ़ना है, साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, करंट आपका प्री में, ठीक है, बाकी जो बेसिक होता है ज्योग्राफी पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री साइंस, और 10 क्वेश्चंस अराउंड जो आपके स्टैटिक से भी आते हैं मिसिलिनियस से, उसका हम स्पेशल पूरा फोल्डर बना देंगे, घबराइए मत। और मेंस का भी वही है, आप चीज़ समझ गए। अब देखो कि अगर आपको बुक का बात करें तो देखिए बुक, एक बुक पे सबसे पहले आपको कमांड करना, अगर आपने किसी एक बुक पे कमांड कर लिया तो वो भी बहुत, बोलते हैं ना आप उससे भी निकल सकते हो एग्जाम। अब बोलोगे सर वो कैसे होगा, आप ध्यान से समझना, हमने लूसेंट नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्राउन, ठीक है, क्राउन, स्पीडी दोनों, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि स्पीडी, ये सब पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको जो एक बुक पे, किसी एक बुक पे जो सुपर कमांड होना चाहिए वो आप किसी एक बुक पे कर सकते हो, चाहे आप लूसेंट हो आपका, ठीक है, चाहे आपका क्राउन हो, चाहे आपका, और चाहे आपका ये एनसीईआरटी सार हो, ठीक है। अब देखो कमांड मतलब क्या होता है, मैं अब जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। इसके साथ आपको जो दो बुक लोग इग्नोर कर रहे हैं, पर मैं सबसे बता दूं, जो दो बुक आपको फॉलो करना ही है इस एग्जाम में, वो है आपका स्पीडी का साइंस और स्पीडी का जीके। हर एक पेज से, ठीक है, हर एक पेज से बीपीएससी में क्वेश्चन, आप बोलोगे सर क्या पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है, अगर आपने स्पीडी पढ़ा है सही से, आप उसका वैल्यू समझ सकते हो कि उसका वैल्यू क्या है। हर एक पेज से आपको बीपीएससी तक क्वेश्चंस मिलेगा, हो सकता है वो डायरेक्टली नहीं है पर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, समझाएंगे, अब ध्यान से समझना। तो कमांड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक बुक को सबसे पहले उस पर कमांड कीजिए, ठीक है, कमांड कीजिए। अब देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए हम अभी केमिस्ट्री पढ़ाना आपको स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी सार से, ठीक है, तो कमांड क्या होता है, इसके जगह आपका कोई और बुक होगा, चाहे आपका लूसेंट होगा, चाहे आपका क्राउन होगा, कोई भी बुक खुद में फुलफिल नहीं है, उसे आपको इनरिच करना पड़ेगा, उसमें कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, और उस एक बुक से, ठीक है, आप बहुत चीज कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं, देखो जब मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, देखो परमाणु की कक्षा, यहां हमने अफवाह प्रिंसिपल का बात किया, क्या बात किया, अफवाह प्रिंसिपल। तो अब मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर मुझे कमांड करना है तो मैं क्या करूंगा, अफवाह प्रिंसिपल के साथ दो और प्रिंसिपल होते हैं, वो होते अफवाह, हुंड और पॉली, ये मैं तीनों पढ़ लूंगा, और मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया कि इसका मतलब क्या है, यही सही तरीका है। अब जब मुझे कोई भी प्रिंसिपल के बारे में पूछेगा, अफवाह हो, हुंड हो, पॉली हो, मुझे पता है कि क्या है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखिए यहां दिया हुआ है, ठीक है, रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, तो जैसे ही मैंने देखा चुंबकीय क्वांटम, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी सार है इसमें वही पॉइंट दिया गया है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस ये है कि आपको उसको इनरिच करना है। अब देखो रासायनिक तत्वों के परमाणु में चुंबकीय तत्व मतलब जो आपका क्वांटम संख्या, आखिर ये मुझे क्या बताता है, तो क्वांटम संख्या, तो सबसे पहले आपको दिमाग में यहां क्वांटम संख्या की बात की गई है, ठीक है, तो क्वांटम संख्या क्या होता है, तो चार तरीके का क्वांटम में पढ़ लूंगा, सबसे पहले चार क्वांटम नंबर होता है, पी ए एम एस,
ठीक है, तो चार होता है। उसके बाद चारों के बारे में मैं शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया, साइज शेप ये बताता है, ये सब सेल बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, स्पीड। तो मेरा क्या हुआ, ये चीज़ खत्म। देखो ये चीज़ में आपको मेहनत लगेगी, मुझे पता है, ठीक है, बट ये जो है बहुत कम लोग करते हैं, और जो कर लेंगे, जो कोचिंग पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन उनका ही होगा, वो अमोंग द टॉपर होंगे। तो बस मैंने दो लाइन पढ़ा और दोनों से मेरा ये पूरा का पूरा क्लियर, ये पूरा का पूरा क्लियर। इसी तरीके से आपको जैसे कि नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है रदरफोर्ड के बारे में, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में, तो मैंने पूरा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया। एक चीज़ और है, ये आप तब कर पाओगे जब आपने चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जहाँ हो वहाँ, ठीक है, आप कोई भी एक अच्छा कोचिंग देख के वहाँ एक बार कोचिंग आप ले लें, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो, ठीक है। अगर पुराने हो, एक से डेढ़ साल हो गया, तो आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ आप खुद कर सकते हो। बट नए हो तो आई थिंक आपको लेना चाहिए, बट ऐसे जगह लेना जहाँ आपको वो आपको फ्यूचर आपका बनाए, ठीक है, मतलब आपके लिए वो डेडिकेटेड हो, मतलब होता है ना कि हाँ अगर मेरा कोई स्टूडेंट आया है तो वो मेरी जान है, ठीक है, इस तरीके से उनके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि वो बस ज्वाइन हो रहे, तो ये चीज़ आपको समझना है। तो ये तरीका है, आप किसी भी बुक को अगर आपको कमांड करना है तो आपको इस तरीके से कमांड करना है। मैं एक जो बुक लेके चल रहा हूँ वो है आपका एनसीईआरटी साथ, सेम चीज़ आपको हिस्ट्री में भी करना है, सेम चीज़ आपको पॉलिटी में भी करना है, और सेम चीज़ आपको ज्योग्राफी में भी करना है। मैंने साइंस इसलिए लिया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस और हिस्ट्री। अब मैं आता हूँ आपको जो नेक्स्ट बुक, आपको जो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक बुक पे आपको कमांड करना है, सिलेक्शन के लिए एक बुक इनफ है, कंसेप्ट के लिए एक बुक इनफ है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, क्या करने, सिर्फ प्रैक्टिस करने। आप ध्यान से दो, अब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्पीडी से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है, स्पीडी से स्टार्ट कीजिए, और एक कोई भी बुक आप रख लीजिए जो आपका टॉपिक वाइज हो। मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप जो भी नॉर्मल छोटा बुक में, मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव का, आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, ठीक है, किसी का भी ऑब्जेक्टिव जिसमें टॉपिक वाइज दिया हो, ठीक है। घटनाचक्र बाद में उसका भी मैं तोड़ बताऊंगा, घटनाचक्र का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, घटनाचक्र बोलते हैं घटनाचक्र, पर जो मेन चीज है वो आप खुद करोगे, ठीक है, खुद करोगे। देखिए अब ये है आपका स्पीडी, ये माय बाप है, मैं बोलूंगा ये एक ऐसा बुक है, ठीक है, जिसको लोग इग्नोर अगर कर दिए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब देखो इसमें हर एक पेज सुपर इंपॉर्टेंट है, बट आपको पढ़ने आना चाहिए। देखिए पहला, देखिए अगर मैं कोई भी एक टॉपिक ले लूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं आपको कोई भी एक क्वेश्चन अगर मैं यहां से लूं, ठीक है, मान लीजिए कि मैं आपको ये वाला बताता हूं, देखिए ये देखिए बॉयल नियम की, जो थोड़ा यूनिक हो, ठीक है, बॉयल नियम किस सिद्धांत पे लागू होता है, ठीक है, तो यहां दिया हुआ है कि जो बॉयल नियम जो लागू होता है, मैं साइंस को लेकर चल रहा हूं, वो मैंने आपको एनसीईआरटी सार से बताया, ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ स्पीडी से, सेम चीज आप हिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। देखो तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ बॉयल लॉ का, ठीक है, तो यहाँ दिया है कि बॉयल नियम किस सिद्धांत पे लागू होता है, तो यहाँ दिया हुआ है आपका क्या, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आपको इतना करके नहीं छोड़ना है, आपको समझना है कि जो ये बॉयल लॉ पूछा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, जितने भी गैस लॉ है, ठीक है, गैस लॉ आप पूरा पढ़ लोगे, जैसे कि हमने यहाँ साइड में लिखा है, देखिए PVT, ठीक है, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो वो बॉयल्स लॉ होगा, मतलब इनवर्सली, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वो एवोगाड्रो लॉ होगा। तो इस चीज को आपको डेवलप करना है, अगर आपने ये चीज कर लिया, आपका दिमाग जो है ना, मतलब 360 डायरेक्शन में घूमेगा फिर, ठीक है, 360 डायरेक्शन में घूमने लगेगा, और जब भी किसी क्वेश्चंस को आप देखोगे आप एनालिसिस नज़र से देखोगे, ठीक है, और ये चीज़ अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, आप कोई भी बुक पढ़िए, पर दो या तीन ही बुक रखिए, जैसे कि हम आपको बताएं स्पीडी का दो बुक रखिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, पर एक बुक चाहे आपका लूसेंट हो चाहे क्राउन हो, उस पर आप सुपर कमांड कीजिए। कैसे कमांड करना है, जिस तरीके से हमने आपको बताया है, इस तरीके का कमांड आपका होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का कमांड आपका होना चाहिए। और अगर आप नए हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप कोचिंग आप ले लें, क्योंकि और अच्छी जगह लें, ठीक है, ऐसी जगह लें जहां वो भी आपके लिए उतना ही डेडिकेट हो जितना कि आप इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हो, ठीक है, ताकि आप, क्योंकि ये सब चीज़ फिर आप कर नहीं पाओगे। सो इस तरीके से बताना था, और एक बार ये भी दिमाग में आप क्लियर रखो कि अगर आप ये इस एग्जाम में बैठ रहे हो तो आखिर इसका मतलब क्या है, कैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मैथ्स रीजनिंग से आपका बनेगा, और यहाँ भी 5 आपका मैथ्स रीजनिंग है, तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन इसी से होने वाला है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जिनको ये सब चीज़ नहीं पता है, तो ये यही तरीका है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सो थैंक यू सो मच, नीचे लिंक होगा, आप जुड़ जाएं, अपना कमेंट करें, और जो सही बातें थी हमने आपके सामने रख दिया। जय हिंद।